हाउलर बंदर एक प्रकार का न्यू वर्ल्ड बंदर है जो मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। वे अपनी विशिष्ट हाउलिंग कॉल के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 3 मील दूर तक सुना जा सकता है और उनके दल के अन्य सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है। हाउलर बंदरों के पास प्रिहेंसाइल पूंछ होती है, जिसका अर्थ है कि वे शाखाओं और अन्य वस्तुओं को पकड़ने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग कर सकते हैं। वे वृक्षवासी जानवर हैं, अपना अधिकांश समय पेड़ों में बिताते हैं और मुख्य रूप से पत्ते, फल और फूल खाते हैं। हाउलर बंदर की कई प्रजातियां हैं, जिनमें मेंटल हाउलर, ब्लैक हाउलर और रेड हाउलर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताओं और वितरण रेंज है। वे बीजों को फैलाकर और वन पुनर्जनन रूप और व्यवहार में योगदान करके पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाउलर बंदरों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। आकार, हाउलर बंदरों की लंबाई लगभग 2 से 4 फीट 0.6 से 1.2 मीटर तक होती है। आमतौर पर नर मादा से बड़े होते हैं। उनका वजन 22 पाउंड 10 किलो तक हो सकता है। दिखता है हाउलर बंदरों के पास लंबे मजबूत अंग और एक परिग्राही पूंछ वाला एक मोटा शरीर होता है, जिसका उपयोग शाखाओं को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। उनके पास एक विस्तृत सपाट नाक है और उनके फरवरी का रंग भूरे से काले रंग में भिन्न हो सकता है। कुछ प्रजातियों में उनके चेहरे या पेट पर हल्के रंग के फरवरी होते हैं। व्यवहार, हाउलर बंदरों को उनकी विशिष्ट हाउलिंग कॉल के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग उनके दल के अन्य सदस्यों के साथ संवाद करने और क्षेत्र स्थापित करने के लिए किया जाता है। वे मुख्य रूप से वृक्षवासी जानवर हैं, अपना अधिकांश समय पेड़ों में बिताते हैं और उनके पास लंबी घुमावदार उंगलियां और विरोधी अंगूठे जैसे विशेष अनुकूलन हैं, जो उन्हें शाखाओं पर चढ़ने और पकड़ने में मदद करते हैं। वे शाकाहारी हैं, मुख्य रूप से पत्ते और फल खाते हैं और अक्सर बड़े सामाजिक समूहों में पाए जाते हैं, जिन्हें सेना कहा जाता है। हाउलर बंदर उन पारिस्थितिक तंत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें वे रहते हैं। बीजों को फैलाकर और जगुआर और चील जैसे शिकारियों के शिकार के रूप में वन पुनर्जनन में योगदान करते हैं। हाउलर बंदर एक विशिष्ट रूप और व्यवहार के साथ मध्यम से बड़े आकार के नए विश्व बंदर हैं। हाउलर बंदरों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। आकार, हाउलर बंदरों की लंबाई लगभग 2 से 4 फीट 0.6 से 1.2 मीटर तक होती है। आमतौर पर नर मादा से बड़े होते हैं। उनका वजन 22 पाउंड 10 किलो तक हो सकता है। दिखता है हाउलर बंदरों के पास लंबे मजबूत अंग और एक परिग्राही पूंछ वाला एक मोटा शरीर होता है, जिसका उपयोग शाखाओं को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। उनके पास एक विस्तृत सपाट नाक है और उनके फरवरी का रंग भूरे से काले रंग में भिन्न हो सकता है। कुछ प्रजातियों में उनके चेहरे या पेट पर हल्के रंग के फरवरी होते हैं। व्यवहार, हाउलर बंदरों को उनकी विशिष्ट हाउलिंग कॉल के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग उनके दल के अन्य सदस्यों के साथ संवाद करने और क्षेत्र स्थापित करने के लिए किया जाता है। वे मुख्य रूप से वृक्षवासी जानवर हैं, अपना अधिकांश समय पेड़ों में बिताते हैं और उनके पास लंबी घुमावदार उंगलियां और विरोधी अंगूठे जैसे विशेष अनुकूलन हैं, जो उन्हें शाखाओं पर चढ़ने और पकड़ने में मदद करते हैं। वे शाकाहारी हैं, मुख्य रूप से पत्ते और फल खाते हैं और अक्सर बड़े सामाजिक समूहों में पाए जाते हैं, जिन्हें सेना कहा जाता है। हाउलर बंदर उन पारिस्थितिक तंत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें वे रहते हैं। बीजों को फैलाकर और जगुआर और चील जैसे शिकारियों के शिकार के रूप में वन पुनर्जनन में योगदान करते हैं। हाउलर बंदरों का जीवन काल प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है। कुछ दूसरों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। जंगली में हाउलर बंदर औसतन 15 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए जाना जाता है। हाउलर बंदरों के निवास स्थान के नुकसान, शिकार और बीमारी जैसे कारक सभी जीवन काल को प्रभावित कर सकते हैं। कम शिकार, बेहतर पोषण और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच के कारण कैद में हाउलर बंदर जंगली की तुलना में अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राइमेट्स को पालतू जानवर के रूप में रखना कई देशों में अवैध है और उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हो सकता है। हाउलर बंदरों के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। हाउलर बंदर नई दुनिया के बंदरों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जिनके नर का वजन 22 पाउंड 10 किलोग्राम तक होता है और लंबाई 3 फीट 1 मीटर तक होती है।
वे अपनी तेज आवाज के लिए जाने जाते हैं, जिसे 3 मील 5 किमी दूर तक सुना जा सकता है। वास्तव में हाउलर बंदर के पास किसी भी प्राइमेट की सबसे तेज आवाज होती है। हाउलर बंदर मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। वे मुख्य रूप से शाकाहारी हैं, पत्तियों, फलों और फूलों का आहार खाते हैं। हाउलर बंदर सामाजिक प्राणी हैं, जो 18 व्यक्तियों तक के समूह में रहते हैं। इन समूहों का नेतृत्व एक प्रमुख पुरुष द्वारा किया जाता है, जो आक्रामक व्यवहार के माध्यम से अपनी स्थिति का बचाव करता है। हाउलर बंदरों के पास एक प्रहेंसाइल पूंछ होती है, जिसका अर्थ है कि वे इसके साथ चीजों को पकड़ सकते हैं और पकड़ सकते हैं। वे अपनी पूंछ का उपयोग पेड़ों की शाखाओं से लटकने के लिए करते हैं और पेड़ों के माध्यम से चलते समय अपने वजन का समर्थन करते हैं। हाउलर बंदर महत्वपूर्ण बीज फैलाने वाले होते हैं, क्योंकि वे फल खाते हैं और फिर अपने मल में बीजों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे पौधों की प्रजातियों को उनके आवास में फैलाने में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से हाउलर बंदर आबादी को निवास स्थान के नुकसान और विखंडन के साथ साथ शिकार और पालतू व्यापार से खतरा है।